तो दोस्तों अभी हम आ रखे हैं वसुदेव द्वार और तिलक लगा के एंट्री यहाँ मिलती है। तो ठीक है अभी हमें वसुदेव द्वार पे और यहाँ से हम करेंगे एंट्री। और अब आए हमारे जो पीछे है जो बता रहे हैं यहाँ की प्रसिद्ध गौशाला है वो ये रही। ये देखिए, ये देखिए जो मेरे पीछे ये प्रॉपर गौशाला। तो चलते हैं वसुदेव द्वार। आइए द्वार पा के, ये बाल कृष्ण की जन्मभूमि है। हम अभी जन्मभूमि पर आए हैं। ठीक है तो अभी चलते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। तो ये देखिए यहाँ पे वानर देवता की भी मुराद पूरी की जाएगी। ठीक है चलो, ये आपने पुरानी आपने रिवाज से देखी होगी, अगर नंदी जी के कान में हम कुछ कहा जाए तो आपकी मुराद शिव जी जरूर पूरी करते हैं। तो अभी फिलहाल ये चल रहा है। आइए ये देखिए, आप जैसे देख सकते हैं ये हर महादेव जी का मंदिर है। आइए आइए चलते हैं अभी यहाँ से आगे। दोस्तों ये हो गया हमारा वासुदेव द्वार कंप्लीट और ये विजिट करके अब हम चल रहे हैं एग्जिट करने के लिए। फिर मंदिर के अंदर परिसर हम फोटो नहीं कर सकते हैं, वहाँ फोटो लेना अलाउ नहीं है, इसलिए ये यशोदा भवन और वासुदेव विहार कंप्लीट रखे यहाँ से करते हैं हम एग्जिट। आइए पूरे मथुरा में 40 दिन की सवा महीने की होली, होली की शुरुआत नंबर 33 से होती है, इस घर में सबसे आखिरी होली थी, तो होली भी इसी जगह पूरे भारत में लाइव जन्मोत्सव का जो हाल चलो एक परिक्रमा नीचे से करेंगे पूरे घर का। और ये आप देख सकते हो जो है ना यहाँ पे ध्यान दिया हुआ है, उनके नाम यहाँ पे उकेरे हुए हैं जो ये शिलालेख कह सकते हो पत्थरों के टाइल्स पे। और अभी हम इस वक्त कर रहे हैं परिक्रमा वासुदेव द्वार की, जो कि ये है श्री कृष्ण भगवान का बाल, यहाँ पे बालकाल यहाँ पे गुजरा हुआ था। तो अभी फिलहाल हम यहाँ कर रहे हैं परिक्रमा और यहाँ पे आप देख सकते हो वृंदावन की झलकियाँ। और अभी हम ले रहे हैं यहाँ की परिक्रमा और नीचे की आप देख सकते हो जो लिखे हुए हैं उनके नाम उकेरे गए हैं जिसे हम शिलालेख कहते हैं पत्थरों पर। आइए चलते हैं आगे परिक्रमा कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों ये वही धरती है जहाँ पे जन्माष्टमी के दिन पूरे भारत में लाइव टेलीकास्ट होता है। ये वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप जहाँ से निकला, उन्हें अपना बालकाल यहाँ बिताया था, ये वो धरती थी। ठीक है आइए, तो हमने इसके दर्शन किए और अब यहाँ से चलते हैं हम आगे। आइए आपसे आगे मिलते हैं। दोस्तों ये आपको दिखाते हैं, ये है एक रमन रेती का पार्क, उसकी छोटी सी एक झलकी जो कि आपको यहाँ पे हिरण देखने को मिलेंगे, हिरण कह सकते हो, छोटे छोटे हिरण हैं, ये हिरण के बच्चे हैं। और पूरे पार्क में आपको अगर मैं दिखा दूँ तो अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे हिरण हैं, ब्लैक एंड वाइट ब्राउन आपको हिरण देखने को मिलेंगे। ये एक छोटा सा पार्क है बेसिकली, और ये है कितने सारे हिरण कह सकते हो, डियर हैं ये देखो, कितने प्यारे हैं ये, खाने को तो अभी नहीं है मेरे पास, और ये प्यारे से हिरण है। तो ये एक छोटी सी इंटरेस्टिंग और बहुत मतलब प्यारी चीज़ लगी थी, सोचा आप लोगों को दिखा दें। ये आइए चलते हैं, इंतज़ार करते हैं गेट के खुलने का और आपके सामने हिरण है। आइए यहाँ से चलते हैं अब आगे। तो दोस्तों ये है आज का दिन जो कि आधा दिन निकल चुका है, हमने सुबह से दो जगह घूमे हैं, एक हमने कृष्ण जन्मभूमि हमने घूमी है जो कि मथुरा वृंदावन में थी, वृंदावन के बाद जो कल का दिन था, आज हम यहाँ पे आए हैं यमुना नदी के किनारे जो वासुदेव जी का घर था नंदलाल, जहाँ पे वासुदेव जी आए थे भगवान कृष्ण को रखने के लिए। तो यमुना नदी पार करके यहीं पे एक उनका बचपन जहाँ बीता वो पूरा घर था नंदलाल जी का। ठीक है आज उसकी विजिट करी है हमने, अब बस थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा खाली टाइम है और
अभी हमें रमन रेती का आश्रम हम थोड़ा विजिट करेंगे और यहाँ से विजिट के आज के दिन कंप्लीट करेंगे। रमन रेती के बाद हो सकता है शायद कहीं और का ये प्लान हो, अभी कंफर्म नहीं है, बट अब इसके बाद जो है आश्रम कंप्लीट करके रमन रेती हम जा रहे हैं। अभी बस यहाँ बैठे थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, छाँव में बैठे हैं। अभी हम रोड के किनारे बैठे हैं तो बस ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। और ये देखिए अभी रोड किनारे बैठे हैं, टाइम पास चल रहा है और बस थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। खाना पीना स्नैक्स टाइप कुछ था आज हमने, मथुरा वृंदावन का जो प्रसाद होता है श्री कृष्ण जी के नाम का वो ग्रहण किया, क्योंकि नवरात्र शुरू हो गए हैं। वैसे तो यहाँ साल के 365 दिन यहाँ पे प्रसाद मिलता है, आप आके ग्रहण कर सकते हैं, सबके लिए द्वार खुले हुए हैं। ठीक है, आप आइए मथुरा वृंदावन, और मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है यहाँ पे आके आप चीज़ों को देख सकते हैं, ये सब चीज़ें थी। तो चलते हम यहाँ से कंप्लीट करके हम रमन रेती के लिए आइए चलते हैं। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं रमन रेती आश्रम जो कि खुला था 4 बजे, तो हम उसका खुलने का वेट कर रहे थे और अभी हम आ चुके हैं रमन रेती आश्रम के लिए चलते हैं। हमारे पीछे है रमन रेती आश्रम का अभी जो आश्रम का द्वार है मेन, वहाँ से एंट्री करिए और चल रहे हैं। ये शायद लास्ट है क्योंकि इसके बाद हमें घर भी निकलना है, 2 दिन से हम घर नहीं पहुँचे, मतलब 1 दिन से हम घर नहीं पहुँचे, तो ये वो चीज़ है। ये आप देख सकते हो हमारे पीछे मेन गेट यहाँ, और आइए चलते हैं। अभी तो जस्ट एंट्री कर रहे हैं, देखते हैं अंदर पहुँच के क्या चीज़ है यहाँ पे देखने लायक, आप लोगों को दिखाते हैं रमन रेती आश्रम। दोस्तों अभी हम उस जगह पर हैं जहाँ पे श्री कृष्ण जी का बचपन बीता था, जहाँ वो खेला करते थे, तो लोग उसी परंपरा को आज भी फॉलो कर रहे हैं, उसी रेत में खेल के अपनी मनोकामना पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा आप लोग सामने देख सकते हो जो ये रमन रेती जो आश्रम है, यहाँ पे कभी बाल कृष्ण खेला करते थे, तो अभी भी वही परंपरा यहाँ पे चल रही है, आप देख सकते हो। और यहाँ हमारे सर हैं जो हमें बुला रहे हैं, तो आइए चलते हम यहाँ से आगे। अभी जिस वक्त हम हैं ये है रमन रेती की रसोई, यहाँ पे खाना बनता है और यहाँ लोग बैठे खाना ग्रहण करते हैं। अब मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देख सकते हो इधर लोग जो भी हैं, ये बर्तन है यहाँ पे लोग ग्रहण करते हैं। वहाँ पीछे की तरफ जो है रसोई घर है, खाना बनता है बकायदा वहाँ पे, और यहाँ पे सब लोग बैठ के सब लोग एक साथ खाना खाते हैं। तो आइए, और आप देख सकते हो ऊपर एक छप्पर टाइप का भी कुछ लगा रखा है जिससे कि यहाँ पे लोग आराम से धूप में भी खा सकें। आइए चलते हैं और आगे, ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखेंगी, तो आपको जरूर रूबरू करवाई जाएगी रमन रेती आश्रम से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आपको। आइए और चलते हैं, और हमारे पीछे कुछ और लोग हैं जो आए हुए हैं, और ये है खूबसूरती रमन रेती आश्रम, ये आप कह सकते हो जहाँ पे बाल काल बीता है भगवान श्री कृष्ण का, ये सब चीज़ें। तो आइए चलते हैं और आगे देखते हैं और क्या चीज़ें आपको दिखाएं लाइक, मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों इस वक्त हैं हम रमन रेती आश्रम में जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब पहली बार आए हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ आप देख सकते हो रमन रेती क्रीड़ा स्थल, मतलब क्रीड़ा स्थल का मतलब होता है प्ले ग्राउंड। तो इस वक्त हम हैं एक सरोवर के पास, आइए दिखाते हैं आपको, ये सरोवर है
आइए आप मेरे पीछे देख सकते हो, और जहाँ सरोवर वहाँ हम आइए, ये आप देख सकते हैं। शाम का समय है और अभी हम हैं सरोवर के किनारे। अभी मेरा चेहरा थोड़ा सा काला आ रहा होगा, बट इस तरह से साफ है। आइए, और ये सब चीज़ें हैं आप देख सकते हो। अभी हम रमन रेती के तरफ पास में हैं और सरोवर आप जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हो। यह है रमन रेती का सरोवर, जहाँ पे कह सकते हैं कि जब ऐसा लोगों का मानना है या मान्यता ऐसी चली आ रही है कि बाल अवस्था में श्री कृष्ण यहाँ पर खेला कूदा और नहाया करते थे। ये वो प्लेग्राउंड है जो क्रीड़ा स्थल है रमन रेती का, जहाँ पे उनका बचपन बीता, और इस तरफ ये सरोवर। आइए चलते हैं और चीज़ों का एक्सप्लोर करते हुए, यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं उनको देखते हुए। आइए सरोवर का थोड़ा पास चलते हैं, उसे शायद अलाउ करें ना करें पता नहीं, बट चलते हैं। आइए, बट जो व्यू ऊपर से है वो नीचे जितना जाएंगे उतना व्यू उतना अच्छा नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर से व्यू अच्छा आ रहा था। तो ये है वो सरोवर। आइए, अंदर सरोवर है, मछलियाँ तो नहीं हैं, सरोवर अभी मतलब शांत है। ये सब चीज़ें हैं, बस ये थोड़ा सा यहाँ पर अगर शाम थोड़ी सी ढलेगी तो यहाँ पे जो व्यू आएगा उस व्यू के तो अपने ही नज़ारे होंगे, बट अभी भी हल्की हल्की मतलब अभी धूप है थोड़ी सी, शाम के 4:30 बज रहे हैं। तो ये है रमन रेती का सरोवर, पीछे रमन रेती का क्रीड़ा स्थल था, और पूरा रमन रेती आश्रम को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि ये लास्ट स्पॉट है, फिर इसके बाद हम अपने घर वापसी की तैयारी करेंगे। तो ये था, चलते हैं थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और मिली आपको तो ज़रूर आपसे रूबरू करवाएंगे मेरे छोटे से ब्लॉग में। और एक छोटी सी ट्रिप मथुरा वृंदावन की आप लोगों के सामने, रमन रेती आश्रम का ये छोटा सा सरोवर। आइए देखते हैं, पानी मुझे कुछ खास लग नहीं रहा कि पानी को छूना भी ठीक रहेगा, पानी एकदम हरा हो रखा है, इसका मतलब पानी यहाँ पे काफ़ी टाइम से जिसकी सफाई नहीं की गई है। यहाँ पे अगर सफाई होती थोड़ी सी तो शायद और अच्छा लगता है यहाँ का व्यू, आसमानी होता पानी, पानी का रंग आसमानी रंग का होता तो उसके नज़ारे कुछ अलग होते, बट फिर भी ठीक है, काम चल रहा है। तो चलते हैं थोड़ा और आगे, कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, आप लोगों को जो दिखाता रहूँगा मेरा ये छोटा सा जो ब्लॉग है इसमें आप लोग देख पाएंगे। चलते हैं आगे और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यमुना किनारे, एक यमुना जो हमारे घर के पीछे थी जो पल्ला साइड, और इसमें हम मथुरा के यमुना के किनारे हैं। हमारे पीछे रमन रेती पार हुआ है, रमन रेती आश्रम को पार करते हुए हम आ चुके हैं यमुना के किनारे, और आप दूर तक नज़ारे देखो, आपको मैं आगे नज़ारे दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे जो पीछे आप देख सकते हैं पूरी कंप्लीट, ये रमन रेती आश्रम और यमुना के दृश्य। यहाँ पे काम चल रहा है, पानी को शायद यहाँ से कम किया जा रहा है या जो भी है कुछ कह नहीं सकते, बट हम चल रहे हैं आगे और इधर हो रहा है एक प्यारा सा सनसेट, प्यारा सा सुहानी शाम। और अब हम अभी मथुरा में और रमन रेती आश्रम जो कि भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पे कहते हैं कि बचपन बीता है यहाँ पर, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया यहाँ पे माहौल है। शाम हो रही है, सूरज हल्का मध्यम हो चुका है, और हम यहाँ पर आ रखे हैं यमुना किनारे। तो आपको हम यमुना के खूबसूरती यहाँ से दिखाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए आपको बैक कैमरे से खूबसूरती दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों ये है ढलता हुआ सूरज और हमारे सामने है यमुना नदी, जय हो यमुना मैया की। यहाँ थोड़ा जनरेटर का चल रहा है साउंड, तो आप इसको थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, बट अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये है यमुना नदी दूर तक फैली हुई, और सुहानी शाम आप लोगों के सामने है।
और अभी हम आए हैं वहाँ से, हमारे ऑफिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं, और यहाँ पर देख सकते हो कुछ लोग यहाँ से नहा रहे हैं। ये हमारे ऑफिस के नहीं है बेसिकली, तो इनको इग्नोर करते हुए आगे की तरफ चलते हैं। और यमुना के किनारे की आप खूबसूरती देखिए, दूर तक यमुना फैली हुई है। ये सब चीज़ें ये आप देख सकते हैं, सुहानी शाम और यमुना किनारे, तो इसका कॉम्बिनेशन ही अलग ही होता है। तो बहुत ही खुशनुमा अभी नज़ारा है मेरे आगे, मथुरा वृंदावन के एक छोटे से ट्रिप पर अभी हम आए हैं। और यहाँ हम देख पा रहे हैं यहाँ के ढलते हुए सूरज को, जो कि बहुत ही प्यारा सनसेट है। तो बस चलते हैं हम यहाँ से, क्योंकि देखते हैं कुछ और चीज़ें, कुछ और हमें एक्स्ट्रा चीज़ें दिखती हैं, आप लोगों को जरूर दिखाई जाएगी। तो अभी चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ट्रैक्टर की राइड लेने के लिए, एक भैया जा रहे थे ट्रैक्टर पर। तो अभी हम यमुना नदी के पास से हमारे चलने वाले यार जल्दी उससे काफ़ी थक चुके हैं, भैया हमें आगे छोड़ देंगे, तो भैया ने परमिशन दे दिया हमें बैठने के लिए। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे मंदिर के आधे रास्ते तक, वहाँ पे वहाँ ले चलेंगे भैया चलते हैं। दोस्तों अभी हो चुकी है रमन रेती की यात्रा कंप्लीट, एक्सप्लोर पूरा कर लिया है। यहाँ पे हमने ये यमुना नदी भी देख ली है, और अभी जस्ट यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि शाम हो चुकी है, 6 बजने वाले हैं, हमें घर भी जाना है। और यहाँ से 3 से 4 घंटे रहेंगे हमें घर जाने में। और मेरे पीछे एक धर्मचक्र कह सकते हो, धर्मचक्र जिसे कहते हैं वो है, तो इससे अच्छा बैकग्राउंड मुझे नहीं लगा कि होगा मेरे वीडियो के लिए। तो यहीं मैंने सोचा कि एक यहीं पर हम एंड करते हैं, अभी वीडियो का एंड नहीं है इस ट्रिप का। हम कह सकते हैं कि रमन रेती जो हमारा ट्रिप था लास्ट स्पॉट विजिट करने के लिए, इसको यहाँ पर एंड करते हैं। चलते हम यहाँ से आगे कंप्लीट करते हैं अपना खाना पीना, और यहाँ से निकलेंगे अपने घर के लिए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अभी देखते हैं यहाँ से खाने के लिए कहाँ जाना है, किसी रेस्टोरेंट में रुकेंगे या कहीं रुकेंगे, तो वहाँ पर रुकते हैं और निकलते हैं यहाँ से आगे। आइए तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और यहाँ से निकलते हैं और मंदिर जो है यहाँ पे अभी कंप्लीट करते हैं, भाई यहाँ से निकलते हैं हम आगे। आइए मिलते हैं आपसे बाद में। तो दोस्तों अभी हम कर चुके हैं ट्रिप कंप्लीट, जा रहे हैं अपने कहीं खाने के लिए, देखते हैं रेस्टोरेंट मिलता है क्या मिलता है वहाँ खाने वाले। तो आप देख सकते हो एकदम मोड़ी लाइट्स हैं, लाइट इज ऑन, और अब ट्रिप इज गोइंग टू कंप्लीट। और बस अब निकल रहे हैं खाने के लिए, भूख लगी है सुबह से, दोपहर में थोड़ा बहुत खाया था भंडारे का जब को दिखाया था। तो अब बस चलते हैं, ठीक है तो कंप्लीट करते हैं और चलते हैं खाने के लिए। अभी हम आधे रास्ते आ चुके हैं मथुरा के ट्रिप से, हम आ रहे थे वापस, अभी बज रहे हैं रात के 8, और अभी हम करने जा रहे हैं डिनर, क्योंकि दोबारा अब गाड़ी रुकेगी नहीं, सीधा ऑफिस पे जाकर रुकेगी। तो अभी हमें शायद मिड वे में है कहीं पर, तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, डिनर का टाइम हो चुका है, और डिनर खा पी के जो है बस में सो जाएंगे यार, दिन भर घूमा ही है, थके हुए हैं थोड़े से। और अभी जो है मौसम थोड़ा ठंडा सा हो रहा है, ऊपर से एसी चल रही है, तो बस जो नींद आएगी बड़ी सुकून वाली आएगी, उम्मीद से ऐसे ही करते हैं। तो अभी चलते हैं डिनर करने के लिए और आपसे मिलते हैं डिनर करने के बाद, और लगभग आज की जो ट्रिप और आज का जो डे कंप्लीट होने वाला है। तो काफ़ी मज़ेदार दिन था आज का, काफ़ी चीज़ें हमने एंजॉय करी हैं, विज़िट करी हैं। तो मिलते हैं आपसे लंच डिनर करने के बाद। और अभी मैं बता दूँ इसका नाम है, आपको शायद वीडियो में दिखे नहीं, मैं बता देता हूँ, मैजिक फूड जोन। मैजिक फूड जोन जो कि है यमुना एक्सप्रेस वे पर, यहाँ हम करने जा रहे हैं डिनर। तो करते हैं आपसे डिनर करने के बाद, और साथ में उसी वक्त करेंगे हम क्लोजिंग आज के वीडियो की। तो मिलते हैं आपसे डिनर करने के बाद। फ्रेंड्स अभी जस्ट हमें डिनर कंप्लीट करके हम पहुंचे हैं ऑफिस, और तो करते हैं इस वीडियो का एंड, क्योंकि बज रहे हैं रात के
11:50, काफ़ी लेट हो गया है। और अभी हम स्टे करने वाले हैं नोएडा में ही, तो काफ़ी थक चुके हैं। बस वीडियो को क्लोज करते हैं यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा ट्रिप था, सबसे पहले बता दूँ, मतलब ऑफिस की तरफ से ट्रिप था, काफ़ी इन्जॉय किया। ऑफिस के लोग थे, सीनियर्स थे, यहाँ तक कि डायरेक्टर सर भी थे, काफ़ी इन्जॉय किया हमने अपने ट्रिप पे। तो बस यही है एक्सपीरियंस मेरा। और ऑफिस की तरफ से पहला ट्रिप था मेरा, एज अ इंटर्न मैं यहाँ पे काम कर रहा था, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे मथुरा वृंदावन का। मैंने फ़र्स्ट टाइम विजिट है मेरी, फैमिली के साथ नहीं गया मगर यहाँ ऑफिस वाले की तरफ से गया था। तो ये सब चीज़ें थी, काफ़ी इन्जॉय किया। आपने मेरे ब्लॉग्स में चेक कर ही लिया होगा कि काफ़ी एक्सपोजर लिया है और चीज़ें को एक्सप्लोर किया है जाकर। और सो करते हैं इस वीडियो को और इस ट्रिप के प्लान को यहाँ पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे किसी और ब्लॉग में एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। सो दिस इज़ मी हिमांशु वर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई चैनल हिमांशु अचीव ब्लॉग्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। Pasa la manguera.